इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वन पेन ड्राइव से दूसरा पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर कैसे कर सकते हो। तो कई सारे हमारे पास जो पेन ड्राइव में डेटा होता है, जो इमेजिंग सॉन्ग वीडियो फाइल होता है, लेकिन इस सभी डेटा को हमें दूसरा पेन ड्राइव में ट्रांसफर करना है तो आपको आसान तरीके ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, यदि आप हमारा न्यू वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चले फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख लीजिए कि हमारा दोनों पेन ड्राइव है, तो इस दोनों पेन ड्राइव में हमें डेटा ट्रांसफर करना है। जो वन पेन ड्राइव का डेटा दूसरा पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर करना है और दूसरा पेन ड्राइव का डेटा है वही हमें वन पेन ड्राइव में ट्रांसफर करना है। तो आपको इस तरह सबसे पहले दोनों पेन ड्राइव लेना है और इस दोनों पेन ड्राइव आपको पीसी के साथ कनेक्ट कर देना है। तो चले मैं पीसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो आपको इस तरह जो पीसी या लैपटॉप यूज करते हैं तो उसमें आपको इस तरह कनेक्ट कर देना है। तो हमारा पास जो पीसी है तो इस पीसी के साथ मैंने दोनों पेन ड्राइव सीपीयू में कनेक्ट कर दिया है, तो आपको इस तरह कनेक्ट कर देना है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमारा दोनों पेन ड्राइव है वही हमारा पीसी के साथ कनेक्ट हो गया है। तो आपको इस तरह कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद चले मैं डेटा ट्रांसफर करके आपको बता देता हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा दोनों पेन ड्राइव है वही हमारा सही से पीसी के उसमें कनेक्ट हो गया है। तो हमारा जो दोनों पेन ड्राइव है वही हमारा 16 GB का है। तो चले मैं फर्स्ट वाला जो पेन ड्राइव है वही मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ कि उसमें हमारा डेटा क्या है, और दूसरा पेन ड्राइव है तो उसको मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो हमारा दोनों पेन ड्राइव मैंने सही से कनेक्ट कर दिया है और कनेक्ट करने के बाद चले उसमें हमें डेटा ट्रांसफर करना है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर में जो पेन ड्राइव है तो इस पेन ड्राइव को मैं ओपन कर देता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा फर्स्ट नंबर में जो पेन ड्राइव है तो उसको मैंने ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद उसमें आप डेटा देख सकते हैं कि हमारा एक रिज्यूम है और एक हमारा वीडियो है और उसमें हमारा 3 इमेज है। तो इस डेटा में दूसरा पेन ड्राइव में ट्रांसफर करना है, और दूसरा पेन ड्राइव का डेटा है वह मैं वन पेन ड्राइव में ट्रांसफर करना है। तो चलो मैं दूसरा पेन ड्राइव कनेक्ट किया है तो उसको मैं ओपन करता हूँ। तो उसमें देख सकते हैं कि उसमें एक हमारा जो सॉन्ग है और उसमें एक PDF फाइल है और हमारा 4 इमेज है। तो इस डेटा में वन पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है। तो चलो मैं सबसे पहले हमारा वन पेन ड्राइव है तो इस पेन ड्राइव को मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद उसमें जो डेटा है वह मैं दूसरा पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है। तो चलो मैं ट्रांसफ़र करके आपको बता देता हूँ। तो इस तरह सबसे पहले आपको जो वन पेन ड्राइव है वही आपको ओपन कर देना है। तो चलो मैं ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद उसमें जो डेटा है वही आपको सिलेक्ट करना है। तो चलो मैं इस तरह सिलेक्ट कर देता हूँ माउस से, और सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट साइड क्लिक करना है, और राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है। तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल से पे कर सकते हो। तो मैंने जो डेटा है वही मैंने कॉपी कर दिया है जो वन पेन ड्राइव से। तो इस तरह आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपका जो दूसरा पेन ड्राइव है वही आपको ओपन करना है। तो चलिए मैं दूसरा पेन ड्राइव को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद उसमें आपको एक न्यू फोल्डर बनाना है। तो चलिए मैं माउस से राइट साइड क्लिक करता हूँ, और राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा एक न्यू फोल्डर बन जाएगा दूसरा पेन ड्राइव में। तो चलिए उसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, तो आपको नाम भी चेंज कर सकते हो। तो चलो मैं कीबोर्ड से F2 प्रेस करके 05 टाइप कर देता हूँ। तो आपको इस तरह किसी भी फोल्डर का नाम टाइप कर सकते हो, और आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो चलो मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद मैं माउस से राइट चैट क्लिक करता हूँ, और राइट चैट क्लिक करने के बाद उसमें पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा जो डेटा है वही हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल वी भी कर सकते हो। तो चलो मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख लीजिए कि हमारा वन पेन ड्राइव का डेटा है वही हमारा दूसरा पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र हो गया है। तो अभी देख लीजिए कि उसमें जो डेटा था वही हमारा ट्रांसफ़र हो गया है। तो उसमें जो 3 इमेज और एक वीडियो और एक रिज्यूम था, जो हमारा वर्ड का फाइल था, वही हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो गया है। तो चलो मैं वन पेन ड्राइव को ओपन करके आपको बता देता हूँ।
तो अभी देख लीजिए कि हमारा वन पेन ड्राइव है तो उसमें आप डेटा देख सकते हैं। तो चलो मैं दूसरा पेन ड्राइव में हमने जो ट्रांसफ़र किया है 05 फोल्डर में, तो इस फोल्डर को मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो अभी देख लीजिए कैमरा सही से डेटा ट्रांसफ़र हो गया है, तो आपको इस तरह डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन आपके जो दूसरा पेन ड्राइव में डेटा है वही आपको वन पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है, तो आपको इस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो चल मैं दूसरा पेन ड्राइव में जो डेटा है वही मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि दूसरा पेन ड्राइव को मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद उसमें जो कई सारे जो डेटा है, जो फोर इमेज है, जो एक पीडीएफ फाइल है और एक हमारा सॉन्ग है, तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी करता हूँ। इस हमारा दूसरा पेन ड्राइव में डेटा है वही मैंने सिलेक्ट करके कॉपी कर देता हूँ, और कॉपी करने के बाद आपको वन पेज में जाना है। तो चलिए इस डेटा है वही मैंने कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ वन पेन ड्राइव है तो उसको मैं ओपन करता हूँ। तो आपको इस तरह वन पेन ड्राइव को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद उसमें एक न्यू फोल्डर बनाना है। तो चलो मैं माउस से राइट साइड क्लिक करता हूँ, और राइट साइड क्लिक करने के बाद एक मैं न्यू फोल्डर बना देता हूँ। तो आपको इस तरह न्यू फोल्डर बना सकते हो, और आपको डायरेक्ट पेस्ट पे कर सकते हो। तो मैंने एक न्यू फोल्डर बना दिया, तो चलिए उसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 मैंने टाइप करिए, और टाइप करने के बाद चलिए इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद चलिए मैं माउस से राइट साइड क्लिक करता हूँ, और राइट साइड क्लिक करने के बाद उसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा जो दूसरा पेन ड्राइव का डेटा है वही हमारा वन पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल वे पे कर सकते हो, तो उसमें हमारा पेस्ट हो जाएगा। तो अभी देख लीजिए कि हमारा पेस्ट हो रहा है, तो आपको इस तरह डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा दूसरा पेन ड्राइव में डेटा था वही हमारा वन पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र हो गया है, और वन पेन ड्राइव का डेटा है वही हमारा दूसरा पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र हो गया है। तो आपको इस तरह पेन ड्राइव टू पेन ड्राइव डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो आपको इस तरह आसान तरीके ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा सही से ट्रांसफ़र हो गया है। तो चलिए मैं बैक कर देता हूँ, और बैक करने के बाद फिर से मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, तो उसमें हमारा डेटा है वही हमारा डेटा सही से ट्रांसफ़र हो गया है। तो इससे हमारा दोनों पेन ड्राइव था, तो वन पेन ड्राइव का डेटा था, तो इस डेटा मैंने दूसरा पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र किया, और दूसरा पेन ड्राइव का डेटा है वही मैंने वन पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र किया है। तो अभी देख लीजिए कि मैंने दोनों में एक न्यू फोल्डर बना के डेटा ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरह आपको पेन ड्राइव टू पेन ड्राइव डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो इस तरह आपको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि मैंने दोनों पेन ड्राइव वही मैंने सही से कनेक्ट किया था पीसी में, और हमारा दोनों में डेटा था वही मेरा डेटा ट्रांसफ़र हो गया है। तो इस तरह आपको पीसी या लैपटॉप के साथ दोनों पेन ड्राइव कनेक्ट करके आपको पेन ड्राइव टू पेन ड्राइव डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो आपको आसान तरीके ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो फ्रेंड जो सभी प्रोसेस था, तो इस प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।